हाँ माझे आउटफिट बघून तुम्हाला समजलं असेल का मी कुठे झालो. अच्छी क्लिअरिटी क्वालिटी देखिए भाई लाजवाब. 36 लक्ष चलबिचल होत असतं परंतु इथे मात्र खेळाडूंचा अतिशय चांगला लक्ष आहे. व्यू बघा व्यू बघा साहेब बा एपटामोर तो विकेट बढ़िया टीम आलेली आहे पण आपले प्लेयर आता सगळे थोडेसे आगे. नमस्कार मंडळी, माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. माझ्या चॅनलचं नाव आहे मॅक ठाकूर ब्लॉग्स आणि हा नवीन ब्लॉग तुमच्यासाठी आता घेऊन येतो मी. आणि माझ्या जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आता आपण चाललेलो आहोत पनवेलमध्ये. पनवेलमध्ये नामवंत अशी किंजल ट्रॉफी म्हणून अशी प्रसिद्ध असणारी टूर्नामेंट आहे. नमस्कार मंडळी, आता आम्ही आलेलो आहोत पनवेलला किंजल ट्रॉफी खेळण्यासाठी. आणि ही ओपनची टुर्नामेंट आहे आणि इथे सगळे मोठे 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 जेवढे प्लेयर आहेत तेवढे इथे येतात. आणि बघा आई अक्षय पण म्हणा बघा सुरुवात. अच्छा दिवसातील हा पहिल्या क्रिकेटचा दुसरा इथे मात्र पुन्हा एकदा तर नमस्कार मंडळी, आता आमच्यासोबत आहेत प्रफुल ठाकूर म्हणजे पप्पू. तुम्हाला कसं वाटतंय ग्राउंड, कसं वाटतंय तुम्हाला काय तुम्ही सांगाल? ग्राउंड खूप छोटा आहे आणि ते धाव भरपूर होतात, त्याच्यामुळे बॅट्समॅनला खूप ॲडव्हान्टेज असतो. इथं बॉलरला खूप टफ आहे, जर बॉलरने चांगले टप्प्यावर बॉलिंग केली तर चांगली बॉलिंग करू शकतो. आणि आपली टीम आपल्या टीमच्या बद्दल काय बोलणार? अजून कोणकोण आता प्लेअर काय काय होणार आपल्या टीममध्ये? कारण की आपली आपली पूर्ण उरणची समुदा स्पोर्ट ओपनमध्ये पडतो आपण आणि पूर्ण गावाची आपली टीम आलेली आहे. पण आपले प्लेयर आता सगळे इकडे तिकडे झाले म्हणून तुम्हाला पहिले घेतो कारण की तुम्ही सिनियर आहे. तर तुम्ही काय सांगा कोण कोण कसं आता बॅटिंग ऑर्डर कशी उतरणार? नवीन टीम आहे, यंग टीम आहे. या सीझनची पहिली मॅच आहे आमची, कसा परफॉर्मन्स होते त्यानुसार समजेल आता कोण कसा काय खेळते. सुरुवात आहे ही बघूया. नाही ना स्टार्ट आदर्श ट्रॉफी खेळायला असा कधी समोरचा ठेवून आमचा स्टिक लावू. मात्रे साहेबांचे सासरे दीपकजी पाटील साहेबांना की आपण यावं आपल्या शुभास ते इथे टॉस करायचं. टॉस केला जातो दीपकजी पाटील साहेबांच्या शुभास ते. तर किती धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न आहे कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न आहे. पहिलीच मॅच आहे स्पर्धेबद्दल काय सांगशील एकंदरीत खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे, तर काय सांगशील तेजीची मात्र आणि किंजल ट्रॉफीबद्दल? स्पर्धा तर खूप चांगली आहे. किंजल ट्रॉफीमध्ये आम्ही 2 महिने आधी आपण मॅच आम्हाला यावर्षी ग्रामीणला भेटले ना ग्रामीण शुभम खूप सारे शानदार पारे अभ्या की नजर आहे ती कोणाला नाही. नमस्कार. चालू
सुभाष ते मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक कुणालला देऊन सन्मानित केलं जात आहे. जो मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक तू पटकावलाय, काय सांगशील एकंदर या मैदानामध्ये जो आता खेळ पाहिला, खरोखरच पारगाव संघाचा ब्रँड म्हणून नक्कीच प्रेक्षकांच्या मनामध्ये आता तू राहिलाय, तर काय सांगशील या पारीबद्दल? नक्कीच मी माझी पारी माझ्या आईवडिलांना मोटिवेट करेल, कारण की त्यांनी माझ्यासाठी एवढं त्यांनी मला मोठं केलं आहे. आणि खास करून निलेश दादा आणि मन्नी काका यांचं मी धन्यवाद म्हणून की त्यांनी मला नावी शिक्षण संघामध्ये खेळण्यास संधी दिली. गुजरात नेशनल कुणाल तारेकर देखिए यहाँ पर मैन ऑफ द मैच बने, जहाँ पर 15 गेंद के ऊपर 38 रन बनाए. मैच किसने फिनिश किया भाई? रोहित मात्रे चौके के साथ. चलिए भाई चिंटे ऑन फायर हासिल करने वाले विजय सिंह ठाकुर से इस मैदान के ऊपर. आगेश बड़ी नाइट टूर्नामेंट के ऊपर मौसम थोड़ा सा बदल चुका है, और चलिए भाई समय पर चाय और समय पर राय लेना बहुत जरूरी है. चाय भी आ चुका है ये याद चला या? लेकिन अब राय लेने की जरूरत है, यानी मैच शुरू करने की जरूरत है. तो पटेल सर देखिए बात करेंगे संकट मोचक बल्लेबाजी करनी होगी. और ये चलिए लिया जा रहा है और इस टेनिस क्रिकेट को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छी क्लियरिटी क्वालिटी देखिए भाई, लाजवाब नाम भी जैसे काम भी होते हैं. मैं ठाकुर कहते ना, किस्मत ने हर इंसान को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा. और आपके मेहनत सब्सक्राइब करते रहिए भाई. ये आपसे एक खास गुजारिश होगी. नए गेंदबाज की बात करेंगे यहाँ से. आकाश पाटिल देखिए आ जाएंगे. आकाश देखिए आसमान थोड़ी सी बीमार है, लेकिन ये आकाश आकाश ठाकुर भाई. सूरज पाटिल ये नहीं चल सके भाई, यहाँ पर इनका चलना बहुत जरूरी है. लेकिन सूरज पाटिल बता रहे हैं आज की अपडेट थोड़ा सा बढ़ाते रहिए. फील्डर से यहाँ पर बड़ा विकेट देखिए यहाँ से गिरता हुआ. इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा चल गया, और सूरज पाटिल के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद. जुगल ने देखिए भाई यहाँ पर ढूंढ लिए उस गूगल में मैप, क्या सूरज पाटिल का कैच कहाँ आ रहा है भाई. और एक अच्छे खिलाड़ी थे भाई, इनफॉर्म खिलाड़ी. और पिछले साल देखिए जब माथेरन टूर्नामेंट में जब रेस्ट ऑफ रायगढ़ से रेस्ट बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का मैच हुआ था, मैच फंसा हुआ था. देखिए आखिरी ओवर में 15 की जरूरत थी, लेकिन सूरज पाटिल की बल्लेबाजी मैच में पासा पलट दिया था. क्या बढ़िया बल्लेबाजी किए थे. माथेरन कहा जाए तो वहाँ पर दो तीन का बहुत बड़ा लिख रहता है खर्जन सर. पहली मरतब हम पिछले टाइम में गए थे, लेकिन आइकन के खिलाड़ी को बहुत बड़ी रकम से वहाँ पर लिया जाता है. रायगढ़ से स्टार लीजिए, ठाणे से लीजिए, महाराष्ट्र से कहीं से भी लीजिए, क्रिकेट एकदम से बदल चुका है अंतर्राष्ट्रीय लेवल. तो चलिए सीधे सुहास कर आखिर तुझे आना था, लेकिन यहाँ पर संकट मोचक बल्लेबाजी करनी होगी. और ये चलिए भाई आते आते बता दिए सीधे सुहास कर, मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मुझे गेंदबाजी करने से गुरु जरा मेरा बायोडाटा देख लेना. मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना. प्रयास बरोबर अक्षय नाविशिलिबन विचुंबे संघाचे पैकर्स निलेश कांबळे. संदीप सर सलूट है आपको इतने सालों में. निश्चित रूप से दौलत तो एक महाराष्ट्र में हर इंसान के पास रहता है, लेकिन जो आपने इज्जत कमाई ये सबसे बहुत बड़ी बात है. चलिए बात कर लेंगे यहाँ पर टीम का स्कोर. देखिए 22 रन बनाए कंचन सर. देखिए अंतर्राष्ट्रीय में लगातार देखिए 22 मैच जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया टीम, कंगारू टीम. गेंदबाज खत्म होता है तो कुछ हो सकता है, और यहाँ पर भी देखिए फंस गए भाई. कहते हैं ना मीठा खाने का मन था, लेकिन पास में कागज का नोट कम था. अगर मैच जाए कहीं आपको सेकेंड इनिंग ना आ जाए बल्लेबाजी में, फिर आप खुद फंस जाओगे. आखिरी में उन्हें अवार्ड से नवाजा गया था. और ये चलिए भाई पनवेल के
इस बार देखिए छक्के लगाए लेकिन उसके बाद विकेट दे बैठे। कंचन सर इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून। थोड़ा समय कम है, देखिए समय किसी का मोहताज नहीं, हम सगाते रहो। आजकल फैमिली का भी अच्छा साथ सपोर्ट रहता है, तभी तो ये खिलाड़ी आज ये मैदान में देखते हैं वाइड का इजाफा ऐसा। और एक देखिए डॉट गेंद, एक ही इनकम खेलना होगा भाई। पान खा झुलपे, देखना एक दरवाजा बंद होता है ना तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। अभी 11 रन बना है, विकेट देखिए 4 गवाए हैं, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं कि टारगेट अच्छा बनने वाला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए और एकाध बैटर काफी रहते हैं एक अच्छा लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार देखिए रोहित मात्रे को देखिए, यहाँ पर लोहा गर्म है इसलिए उन्हें हथौड़ा लगाने के लिए दिया गया है। उरनपुरी गांव से देखिए विलंब करते हैं, लेकिन गांव के साथ साथ अपने नाम अपने विभाग का। लेकिन इस बार देखिए पहली गेंद के पर ताक दिया भाई, इसे कहते हैं पहली नजर में दिल नहीं चुराया दिल चलाया, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का हर खिलाड़ी कहता है ओ लाले या तो सब ही दिल चले, क्योंकि ये है आप तालुका, ये अपने तालुका के लिए संघर्ष करने आते हैं और उसके साथ साथ देखिए अपने गांव से ये खेल कर आते हैं भाई, ग्रामीण से तैयार होकर आते हैं, ये छोटी सी चिंगारी लगा कर आते हैं। जब कोई बंदा पूरी गांव का साथ आता है ना फिर उसकी ताकत, कहते ना जुड़ गई तो शेर भी घबराएगा, टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। ओह इस बार देखिए ताकत थी पिछली गेंद में, लेकिन इस बार थी नजाकत। के बात कर रहा हूँ और ये चलिए भाई ऊंचाई भी ली है और लंबाई भी ली है और ये चलिए आखिरी जोड़ी से तो हम चौका छक्का उम्मीदवार का भी कम कर सकते हैं, लेकिन एक दो रन देख सकते हैं। कांचन सर कहते हैं ना मिठाई की दुकान में मिर्ची कहाँ मिलेगी भाई। दो रनों की सम्मान हुआ, वेलकम टीम का, ये सुबह दूसरे दौर का मुकाबला मैच है उभर के लेके जा धन्यवाद। देखते देखते आज बहुत फेमस बन चुके हैं, काफी पसंदीदा कमेंटर बाबूशा, इनका यहाँ पर सम्मान हुआ। लास्ट ओवर में 19 आले शुभम इंगले और केदार जाधव, केदार भोईर खूबसूरत शॉट था, लेकिन ये देखिए बहुत ही बेहतरीन ये थ्रो था। स्वस्तिक मात्रे की गेंद, देखिए रिवर्स किस तरह से खेला था, बहुत ही बढ़िया ये शॉट था, कवर पॉइंट से निकाला था इस गेंद को बिल्कुल, क्योंकि शुरुआती पहला ओवर P1 के अंदर चल रहा है तो निश्चित रूप में कुछ शायद इन दोनों बल्लेबाजों की होगी। स्टेप आउट कुणाल तारेकर की शानदार पारी नजर आई थी उस मैच में, परेश खड़के के शानदार बल्लेबाजी इसके बलबूते के ऊपर, उसमें आज पुराना नाम है और निश्चित रूप में काफी क्रिकेट इस टीम ने भी खेला है तो जरूर आज वही नाम लेकर इस किंजर ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी कड़ी चुनौती है हमसाई बंगारपाड़ा टीम की। और ये देखिए यहाँ से बहुत ही उमदा गेंदबाजी उठाने की कोशिश, गेंद हवा में सिद्धेश पास कर यहाँ पर जल्दबाजी में देखे लेकिन पीछे जरूर गए वापिस। आदित्य पाटिल की एक टैप करने की कोशिश, बिल्कुल बेहतरीन शॉट था लेकिन ये वही शुभम इंगले, क्या बेहतरीन नजाकत थी, ये देखिए मिड ऑफ को चीरती भी गेंद थोड़े से आगे। फिर से एक बार कैप्टन वर्ड भी कह रही भारत मात्र की जो प्रतियोगिता होती है उसमें चैंपियनशिप पटकाई थी पाकिबलीवाड़ा टीम ने और उसमें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इस सीजन में पहला क्या लेने वाला खिलाड़ी सूरज पाटिल था, बाइक हासिल की थी उन्होंने। लेकिन यहां से आदित्य पाटिल फिर से एक बार तैयार, कैप्टन मोड़ दो विकेट, पूरे टीम ने चेस किए थे 60 रन कर पाना टीम के लिए, लेकिन इस बीच ये गेंद प्रॉपर टाइम से हम सहमत जरूर है क्योंकि इस टीम के अंदर गेंदबाज और ये बहुत ही। इसके बाद फिर से एक बार टोटल की बात करें 32 और ये देखिए ये एक और बेहतरीन शॉट है लेकिन सूरज
रिवर्स खेलने की कोशिश इस मरतबा यहां से रनआउट का मौका, लेकिन देखेंगे फेंका था जिसमें 10 खर्च किए थे वही आदित्य ये प्लस मिला है। इस एक बार ये डायरेक्ट कभी भी कम हो सकता है, लेकिन ओम साई भंगार पड़ा टीम के लिए आप कंचन पालकर सही मायने में संघर्ष करना होगा, जितना बड़ा संघर्ष जीत उतनी बड़ी। ये फुल टॉस थी लेकिन हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, एटमॉस्फेयर में खिलाड़ी मौजूद है, दूसरी रन की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये देखिए यहाँ से एक ही रन, चिंटिया रेड्डी जो रन लेने में पूरी तरह से स्कोप है ब्लॉक के लिए, और बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं मैं आपका आपके लिए हम धन्यवाद, क्योंकि ये अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि होना चाहिए हमारा यंग जनरेशन आजकल ये ब्लॉग बनाकर इंस्टा के ऊपर काफी फेमस हो रहे हैं, जिसमें मैक ठाकुर आपको पूरी तरह से तमाम इस किंजल ट्रॉफी की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे अच्छे कार्य करते रहिए, खिलाड़ियों को फोकस में लाने का एक अच्छा जरिया आपने ढूंढ कर निकाला है, तो ये होना चाहिए। तो देखिए जो पर्दे के पीछे रहते हैं उन्हें भी आगे आने के लिए जरूर हम कहते हैं, और मैक ठाकुर आप ऐसे कार्य करें, आप अपने आप पर्दे के आगे आएंगे। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में है, समाधान वास्कर है कैच के नीचे, यस क्योंकि जिस तरह से आकाश तारेकर रायगढ़ के वंडर बॉय जो आज भी उनसे बातचीत यदि की जाए तो प्रफुल्ल ठाकुर को आदर्श मानते हैं, इतने बड़े खिलाड़ी इस खिलाड़ी को आदर्श मानते हैं, ये बड़ी बात है, और बिल्कुल प्रफुल्ल ठाकुर ने कई कई मरतबा अपने गाँव के लिए अपने तालुका निहाय के लिए अच्छा खेल किया है वो प्रफुल्ल ठाकुर। इस समय मैदान के अंदर पहली उठा गेंद खेलने की कोशिश की, घुटनों के बल के ऊपर इस गेंद को खेलने का खिलाड़ी प्रफुल्ल, लेकिन आदित्य पाटिल क्या पहल, आप यहां से 6 गेंदों में 14 रन आए हैं, तो देखिए मुकाबला कहां पर था कहां चला गया, ऐसा लगा एक तरफ की समीदा उरण नागाव टीम आसानी के साथ इस लक्ष्य की तरफ बढ़ेगी, लेकिन वहां पर ये क्रिकेट इसी का नाम है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, कब क्या होगा इसका अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जाता, क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं होती है, लेकिन आप अभी भी मुकाबला यहाँ पर बंद लिफाफे में, कुछ हुआ नहीं है, कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है, न हारी समीदा उरण नागाव टीम, न जीती ओम सही भंगारपाड़ा टीम, अभी भी मुकाबला न्यूट्रली स्पेल के ऊपर चल रहा है, क्योंकि 6 गेंदों में जीतने के लिए 14 रन चाहिए। व्हाइट का इजाफा देखिए, अब ये मैच के अंदर वो पूरी तरह से घुस चुके हैं, 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत, इसीलिए तो ये ओमसाई भंगारपाड़ा टीम जानी जाती है, संघर्ष करने के लिए जानी जाती है, और संघर्ष जितना बड़ा संघर्ष, प्रफुल्ल ठाकुर, प्रफुल्ल ठाकुर के लिए गेंद मारने की कोशिश, टॉप पे अच्छा फील्डिंग का प्रयास, दूसरी रन की कोशिश हो रही है लेकिन यहां पर नहीं, 2 रन पूरे करेंगे, और इन 2 रनों के मैदान के अंदर हो रहा है। आप फिर के रास्ते में चले जाइए, क्योंकि फिर यहां से निर्णय आएगा, फिर आप तो आपको ठंडा नहीं है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, प्रफुल्ल ठाकुर स्वतःवर नाराज असेल कारण इथून कदाचित का गिअर चेंज झाले असते, सामन्याचा रंगच बदलला असता मुळात, या बिल्कुल ये दिया था मेरे ख्याल से, ये मौका आपको दिया था सूरज पाटिल ने, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए आप 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 9 रन चाहिए, ये दो हो, ये कुणाल नाईक की क्या दमखम दिखाने वाली फील्डिंग है, एक अतिरिक्त गेंद लेकिन नहीं, और यह बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हुआ, हारी भी बाजी को बदला, लेकिन इस मैच में चला धोनी कैप्टन यायचा अपन, मैक ठाकुर ब्लॉक, यस सब्सक्राइब करा त्यांना, आणि या टॉस साठी यायचा अपन, धोनी कैप्टन बिल्कुल संघर्ष काफी बड़ा था और उस संघर्ष के साथ उन्होंने उस मैच को जीता, टॉस केला जातोय तिथे आपण पाहूया तेजेजी म्हात्रे, सुभाष मंडी शर्मा आणि प्रसाद घरत, नक्कीच तेजेजी म्हात्रेंचे सुभाष हा टॉस होते, टॉस जिंकला प्रसाद घरत, अभिनंदन, चला लगेच निर्णय घेऊन सामन्याला सुरुवात करायची आहे।
आदित्य पाटील याचा अप्रतिम स्पेल राहिला आहे. दोन षटक त्यांनी फेकले, 19 धावांचे दोन फलंदाज आणि दोन षटक मात्र आदित्य बॉलिंग झाली नाही, ज्याने चौथा षटक फेकला. ही पहिली मॅच होती ओपनची तालुक्याची, पण याच्या पुढे आता हळूहळू मॅच खेळणार जसे सुधारणार स्पेल आणि आमचा स्क्वॉड हा बघा. पाटील मॅडम मॅचचं नाव करत होते आणि याच बरोबर या स्पर्धेमध्ये किंजल ट्रॉफी मध्ये आणि किंजल ट्रॉफी किंजल स्पोर्ट आदर्श ट्रॉफी. मला सबस्क्राइब करा प्लीज. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, श्री स्वामी.